आज मैं जिस बावड़ी की कहानी आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूँ, उसका इतिहास ना तो कहीं लिखा हुआ है और ना ही कभी आपने पढ़ा होगा। इस बावड़ी के सामने बड़े बड़े महलों की छाया भी फीकी पड़ जाती है। 5 मंजिल वाली इस बावड़ी की वास्तुकला देखकर लगता है जैसे किसी रानी ने सदियों पहले इसे बनवाया हो। यहाँ असंख्य मेहराब है जो कि ऐसा प्रतीत करा रहे थे कि जैसे किसी रानी के स्वागत के लिए वो बने हुए थे। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय बावड़ी के बारे में। शुरू करते हैं ये ऐतिहासिक और अभी तक छिपा हुआ व्लॉग। राम राम सर सभी को। खम्बा गणीसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों मैं हूँ बावड़ी गांव में जो कि अलवर से पड़ता है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, स्टेट हाईवे 25 राजगढ़ रोड पे ये पड़ता है। और यहाँ पर है ऐसी बावड़ी जिसके आगे ना अच्छे से अच्छा महल भी फीका पड़ जाए। आइए आपको लेके चलता हूँ उस बावड़ी में। क्या कहोगे आप इस बावड़ी का? हालांकि अगर इसकी केयर की जाती आभानेरी बावड़ी की जैसी तो भाई साहब ये बावड़ी अलग ही दिखती। आज इस बावड़ी को देखिए आप, महल जैसी बावड़ी है। आ जाइए नीचे उतरते हैं और इसकी मंजिलों में गिनते गिनते चलते हैं। हालांकि इस पे 4 मंजिलें बनी हुई हैं, यहाँ से दिख रहा है मुझे, लेकिन पेड़ पौधे इतने आ गए हैं बरसात के कारण, और अब बरसात होगी तो और भी घने जंगल हो जाएंगे इसमें। तो चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये पहली मंजिल समाप्त हो गई है, नीचे चलते हैं अपन थोड़ा सा और। देखिए यहाँ पर आके आपको दिखाई देगी ये महलनुमा बावड़ी। क्या ये शानदार बावड़ी है यार। ये पहला दरवाज़ा इसका, उसके ऊपर फिर छतरियाँ हैं, छतरी वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। देखो आप, इधर से ही रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, इधर से लेफ्ट राइट हैंड से भी रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन इस रास्ते पे ना जाके अपन थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं। और यहाँ से आप देखोगे ना तो वो वहाँ पर आपको एक छोटी सी सुरंग नज़र आएगी, जो कि सुरंग जो है ना वो लेके जाती है इसके पैरेलल में बने कुएं की तरफ, जो कि लगभग ऐसा लगता है कि 120 फीट ऊंचा रहा होगा। और देखो आंधी झक्कड़ की वजह से इसके हर सतह पर मिट्टी जम चुकी है, देख रहे हो आप, क्योंकि ये गांव में स्थित है, खेतों के बीच में स्थित है ये बावड़ी। और हर सतह पर यहाँ पर जो है मिट्टी जम चुकी है। और जो ये पहला दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा कोई आलीशान दरवाज़ा है भाई, इसकी क्या ही कहें बात। ये भी एक राजपूताना शैली का लगता है, और कई सैकड़ों वर्ष लगता है कि जैसे कि हजारों साल पुरानी ये बावड़ी है। इसको ऐसे लगता है जिस तरह इसकी बनावट, ऐसे लगता है कि किसी रानी के द्वारा ये बनवाई गई थी, और उनके नहाने के लिए स्थान, उनकी मस्ती करने के लिए स्थान। ये बीच बीच में जो मेहराब दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4 मेहराब तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, नीचे 5वां, मतलब 5 मंजिल तो मुझे यहाँ से दिख रही है ये। और इसकी ऊंचाई 120 फीट से भी ज़्यादा है। गजब की बावड़ी, आलीशान बावड़ी, इस बावड़ी की क्या ही बात। तो दोस्तों मैं ना आपको दिखाता हूं उस कुएं को बिल्कुल पैंदे से, जहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो मिट्टी आज आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं खेत जो इसके चारों तरफ है उसकी वजह से जो मिट्टी उड़ी है वो है। और तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी सबसे टॉप वाली बिल्डिंग पे, क्योंकि नीचे वाली बिल्डिंग में जो छतरी उन पर जाने का रास्ता ही नहीं है, मिट्टी जम चुकी है साइड में। इस वाली फ्लोर को दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखो एकदम बिल्कुल सीधा, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी महल या कक्ष में जाने का रास्ता है ये। और बहुत सारी छतरियाँ आपका वेलकम कर रही हैं, जैसे रानी टाइप की छतरियाँ, क्योंकि इनकी सुंदरता जो है वो रानी ही बनवा सकती है। और ये जो पिलर देख रहे हैं, ये पिलर बेसिकली आज के नहीं, लगभग 700-800 साल पुराने पत्थर से बने हैं। पत्थर को एक सांचा दिया गया। इस तरीके के पिलर जो हैं हर जगह लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब खूबसूरती की तो भरमार है, देखने में ये लगता है कि वाकई में जिसने भी बनवाई है उसने बहुत टाइम लेके, बहुत सारा धन खर्च करके अपने आसपास के लोगों के लिए बावड़ी का निर्माण कार्य करा है। कहावत, कहीं भी इसका कोई लेख नहीं है, हो सकता है कि ये भी लेख हो कि गांव वालों ने मिलके इसे बनवाया हो, या फिर उस समय कोई राजा रहा हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके की जो है बावड़ियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको छोटी से मैं आपको दिखाता हूँ, एक सुरंग टाइप की दिख मिलेगी आपको यहाँ पे, ये एक छोटी सी सुरंग है यहाँ पे, दिख रहा है आपको। अब इसमें ना तो ये पता है कि ये सुरंग कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या कारण था इसका बनाने के पीछे,
क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल जो है अंधेरा है। ये नीचे गेट, बीच में पटाव, और ये मतलब 5 मंजिल इस बावड़ी में शानदार कलाकृति दिखी जो आज तक छुपी हुई थी। इस शानदार धरोहर के क्या कहेंगे आप, मानते हैं ना कि आभानेरी बावड़ी के बाद आपको ये बावड़ी शायद सबसे अच्छी लगी हो, या ऐसी बावड़ी आपने देखी ही ना हो। इसकी मैंने लोगों से पूछने की भी कोशिश की, पर किसी ने कुछ नहीं बताया इसके इतिहास के बारे में। कोई नहीं जानता कि कैसे बनी, कब बनी, किसने बनाई। बस ये कहते हैं कि किसी समय रानी ने बनवाई थी, तो इसको अपन एक नाम ही दे देते हैं, रानी की बावड़ी, क्यों ना भाई। इसके बिल्कुल टॉप सरफेस पे चलते हैं अपन, और यहाँ पे देखो लोग बाग गाँव ने जो है उपले बिछा रखे हैं। यहाँ से मैं आपको कुआं दिखाता हूँ, ये नीचे से रास्ता आ रहा है और हम जा रहे हैं ऊपर कुएं में कूदने। ये देखो यहाँ से बकायदा ढाणा बना हुआ है ताकि यहाँ से निकाल सके। ये देखिए गहराई, रानी जी जो भी थे आप, या राजा जी जो भी थे, या गांववासी जो भी थे, बहुत ही सुंदर कलाकृति के साथ आपने ये बावड़ी बनाई। राम राम सा सभी को, खम्मा गणी सा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। अरे 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 दिनेश भाई, ये तो फिसल रहे हैं, जूता ही फिसल रहा है यार। अरे राम, कैसी बदबू आ रही है जो, दिनेश तुम्हारा पड़ो।